हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। अभी के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं बिहार के सभी 6 लाख शिक्षकों की। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि बिहार में कई सारे मांगे शिक्षक संघ के द्वारा किया जाता रहा है, और यहां पे अब जो है शिक्षक संघ के द्वारा नया मांग किया जा रहा है, उसमें यहाँ पर है वन नेशन वन सैलरी का पॉलिसी है, और इसको लेकर के प्रथम बार आवाज अमित विक्रम नामक एक जो शिक्षक संघ चलाते हैं TET शिक्षक संघ, उनके द्वारा जो है यहाँ पे उठाया गया है। तो चलिए चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड पर और आप लोग को डिटेल्स में इस खबर की जानकारी देते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये अमित विक्रम का पोस्ट है, और ये क्या कह रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, शिक्षक भाइयों एवं शिक्षिका बहनों संगठित होइए केंद्रीय वेतनमान के लिए। राज्यकर्मी बनकर भी आपका वेतन में कोई विशेष वृद्धि नहीं होने जा रही है। जो नवनियुक्त शिक्षक आए हैं उनकी स्थिति भी नियोजित के जैसे ही है, बस नाम के राज्यकर्मी हैं दोनों। राज्यकर्मी शिक्षक का वेतनमान वह वेतनमान है जो पुराने नियमित शिक्षकों को मिल रहा है, लेवल 7, 8, 9 का वेतनमान। नियोजित और नवनियुक्त अब दोनों राज्यकर्मी हैं, लेकिन वेतनमान के मामले में अन्य राज्यों की तुलना करके देखिए, आपको पता चलेगा कि बिहार सरकार किस तरह से आपको ठग रही है ना, यहाँ तक रही है लेकिन यहाँ पे होना चाहिए ठग रही है। वन नेशन वन सैलरी लागू करे सरकार, और इसको लेकर के इनके द्वारा यह पोस्ट किया गया है। अब यहाँ पे अगर बात करिएगा शिक्षकों की, तो शिक्षक जो है इनके इस पोस्ट को लगातार कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक ग्रुप पे इसको शेयर कर रहे हैं, साथ ही साथ ट्विटर पे भी इसको शेयर किया जा रहा है, जिसके बाद यहाँ पे जो है यह बहुत ही जल्द एक मुद्दा बनने वाला है, जिसमें वन नेशन वन सैलरी प्रमुख रूप से आपको देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही जल्द या आप लोगों के बीच इसको लेकर के बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिखाई देगा। तो इससे आप लोग क्या सोचते समझते हैं कमेंट करके बताइए, और साथ ही साथ क्या आप लोग मानते हैं कि बिहार सरकार शिक्षकों को वन नेशन वन सैलरी दे पाएगी, अथवा शिक्षकों को एक बार फिर से जो है उनके द्वारा ठगा जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। अभी के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं बिहार के सभी 6 लाख शिक्षकों की। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि बिहार में कई सारे मांगे शिक्षक संघ के द्वारा किया जाता रहा है, और यहां पे अब जो है शिक्षक संघ के द्वारा नया मांग किया जा रहा है, उसमें यहाँ पर है वन नेशन वन सैलरी का पॉलिसी है, और इसको लेकर के प्रथम बार आवाज़ अमित विक्रम नामक एक जो शिक्षक संघ चलाते हैं TET शिक्षक संघ, उनके द्वारा जो है यहाँ पे उठाया गया है। तो चलिए चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड पर और आप लोग को डिटेल्स में इस खबर की जानकारी देते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये अमित विक्रम का पोस्ट है, और ये क्या कह रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, शिक्षक भाइयों एवं शिक्षिका बहनों संगठित होइए केंद्रीय वेतनमान के लिए। राज्यकर्मी बनकर भी आपका वेतन में कोई विशेष वृद्धि नहीं होने जा रही है। जो नवनियुक्त शिक्षक आए हैं उनकी स्थिति भी नियोजित के जैसे ही है, बस नाम के राज्यकर्मी हैं दोनों। राज्यकर्मी शिक्षक का वेतनमान वह वेतनमान है जो पुराने नियमित शिक्षकों को मिल रहा है, लेवल 7, 8, 9 का वेतनमान। नियोजित और नवनियुक्त अब दोनों राज्यकर्मी हैं, लेकिन वेतनमान के मामले में अन्य राज्यों की तुलना करके देखिए, आपको पता चलेगा कि बिहार सरकार किस तरह से आपको ठग रही है ना, यहाँ तक रही है लेकिन यहाँ पे होना चाहिए ठग रही है। वन नेशन वन सैलरी लागू करे सरकार, और इसको लेकर के इनके द्वारा यह पोस्ट किया गया है। अब यहाँ पे अगर बात करिएगा शिक्षकों की, तो शिक्षक जो है इनके इस पोस्ट को लगातार कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक ग्रुप पे इसको शेयर कर रहे हैं, साथ ही साथ ट्विटर पे भी इसको शेयर किया जा रहा है, जिसके बाद यहाँ पे जो है यह बहुत ही जल्द एक मुद्दा बनने वाला है, जिसमें वन नेशन वन सैलरी प्रमुख रूप से आपको देखने को मिलेगा। तो
तो ये यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही जल्द या आप लोगों के बीच इसको लेकर के बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिखाई देगा। तो इससे आप लोग क्या सोचते समझते हैं कमेंट करके बताइए, और साथ ही साथ क्या आप लोग मानते हैं कि बिहार सरकार शिक्षकों को वन नेशन वन सैलरी दे पाएगी, अथवा शिक्षकों को एक बार फिर से जो है उनके द्वारा ठगा जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। अभी के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं बिहार के सभी 6 लाख शिक्षकों की। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि बिहार में कई सारे मांगे शिक्षक संघ के द्वारा किया जाता रहा है, और यहाँ पे अब जो है शिक्षक संघ के द्वारा नया मांग किया जा रहा है, उसमें यहाँ पर है वन नेशन वन सैलरी का पॉलिसी है, और इसको लेकर के प्रथम बार आवाज़ अमित विक्रम नामक एक जो शिक्षक संघ चलाते हैं, TET शिक्षक संघ, उनके द्वारा जो है यहाँ पे उठाया गया है। तो चलिए चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड पर और आप लोग को डिटेल्स में इस खबर की जानकारी देते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये अमित विक्रम का पोस्ट है, और ये क्या कह रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, शिक्षक भाइयों एवं शिक्षिका बहनों संगठित होइए केंद्रीय वेतनमान के लिए। राज्यकर्मी बनकर भी आपका वेतन में कोई विशेष वृद्धि नहीं होने जा रही है। जो नवनियुक्त शिक्षक आए हैं उनकी स्थिति भी नियोजित के जैसे ही है, बस नाम के राज्यकर्मी हैं दोनों। राज्यकर्मी शिक्षक का वेतनमान वह वेतनमान है जो पुराने नियमित शिक्षकों को मिल रहा है, लेवल 7, 8, 9 का वेतनमान। नियोजित और नवनियुक्त अब दोनों राज्यकर्मी हैं, लेकिन वेतनमान के मामले में अन्य राज्यों की तुलना करके देखिए, आपको पता चलेगा कि बिहार सरकार किस तरह से आपको ठग रही है ना, यहाँ तक रही है लेकिन यहाँ पे होना चाहिए ठग रही है। वन नेशन वन सैलरी लागू करे सरकार, और इसको लेकर के इनके द्वारा यह पोस्ट किया गया है। अब यहाँ पे अगर बात करिएगा शिक्षकों की, तो शिक्षक जो है इनके इस पोस्ट को लगातार कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक ग्रुप पे इसको शेयर कर रहे हैं, साथ ही साथ ट्विटर पे भी इसको शेयर किया जा रहा है, जिसके बाद यहाँ पे जो है यह बहुत ही जल्द एक मुद्दा बनने वाला है, जिसमें वन नेशन वन सैलरी प्रमुख रूप से आपको देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही जल्द या आप लोगों के बीच इसको लेकर के बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिखाई देगा। तो इससे आप लोग क्या सोचते समझते हैं कमेंट करके बताइए, और साथ ही साथ क्या आप लोग मानते हैं कि बिहार सरकार शिक्षकों को वन नेशन वन सैलरी दे पाएगी, अथवा शिक्षकों को एक बार फिर से जो है उनके द्वारा ठगा जाएगा।